दर से अब तक बंद रहे मंदिरों को श्रद्धालु के लिए खोल दिया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस शुभ दिन पर भक्त देवी महाकाली को प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में आ गए। चंद्रपुर के प्रसिद्ध देवी महाकाली मंदिर को आज सुबह 4 बजे महाआरती के लिए खोल दिया गया। चंद्रपुर की इस आराध्य देवी के दर्शन पाने के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लग गई। चूंकि मंदिर में कोई सीधा प्रवेश नहीं था, दो टीका लगवाने वालों को टोकन दिया गया। भक्तों ने दरवाजों से दर्शन किए और माँ को साड़ी चोली चढ़ाई। आज कई दिनों के बाद मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा नजर आ रहा है। यह एक भयमुक्त भक्तिपूर्व माहौल देखने को मिला। पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानें भी थी। आज तक इन सामग्री विक्रेताओं का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है, लेकिन अब जब यह शुरू हो गया है तो वे भी खुश हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए कोरोना नियम बनाए गए हैं और उनका पालन किया जा रहा है। महाकाली मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा चैत्र माह में एक बड़ा मेला भरता है, लेकिन कोरोना संकट ने इसे ठप कर दिया था। अब जबकि मंदिर के कपाट खुल गए हैं, इसे कभी बंद नहीं करना चाहिए और कोरोना को हमेशा के लिए भगा देना चाहिए, यही मांग भक्तों द्वारा की जा रही है। शासनाचे जे नियम दिलेले आपल्याला सगळ्यांनी, जसं मास्क आहे, सॅनिटायझर आहे, आणखी इतर सगळे नियम आहे, त्याचे पालन करून आपण मंदिर चालू केलेलं आहे। आणखी त्या हिशोबाने आपण आता सगळेजण, जसं दर्शन हे बाहेरून असल्यामुळे जेवढी गर्दी होणार नाही, आता गर्दी पटपट निघणार आहे, त्याच्यामुळे त्याची काळजी घ्यायची काही आवश्यकता नाही। तशी आज 2 वर्ष झाले आहे मंदिर उघडण्याची वाट बघत होतो आम्ही, पण आता आज चालू झालं आहे, खूप आनंद झाला। पण तरीसुद्धा सर्वांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे आणि गर्दी करू नये, भीडभाडच्या ठिकाणी जास्त लहान मुलांना वगैरे आणू नये, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन। खूप दिवसापासून वाट बघत होतो मंदिर उघडण्याची आणि खूप छान वाटत आहे, मंदिराचं दर्शन झालं, देवीचं दर्शन झालं नवरात्राच्या आणि मंदिराच्या देवस्थानांनी छान अरेंजमेंट केलेली आहे आणि 18 वर्षाच्या खाली आणि 65 वर्षाच्या वर लोकांना एंट्री नाही, 2 वॅक्सिन आहे त्यांनाच एंट्री देत आहे। BCN न्यूज के लिए चंद्रपूर से संवाददाता की रिपोर्ट।